दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप गूगल मैप की एप्लीकेशन को विदाउट इंटरनेट यानी कि ऑफलाइन किस तरह से यूज कर सकते हैं। वैसे आपको पता है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं और हमें रास्ते वगैरह की जानकारी चाहिए होती है तो हम गूगल मैप की एप्लीकेशन का यूज करते हैं। आपको पता है कि अगर आप गूगल मैप की एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके फोन में इंटरनेट होना जरूरी है। आपके फोन में इंटरनेट नहीं आ रहा या इंटरनेट नहीं है तो गूगल मैप की एप्लीकेशन को आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन आज के वीडियो में आप लोगों के साथ तरीका कैसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके फोन में अगर इंटरनेट नहीं है या फिर आप ऐसी जगह पर पर आपके पास इंटरनेट नहीं आ रहा आपके फोन में तो भी आप गूगल मैप की एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें आप वहां पे यूज कर पाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बिना इंटरनेट के यानी कि ऑफलाइन गूगल मैप की एप्लीकेशन को किस तरह से यूज किया जाता है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी गूगल मैप की एप्लीकेशन को बिना इंटरनेट के यानी कि ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो चलिए जैसे कि सबसे पहले तो मैं यहाँ से गूगल मैप की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो अभी मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाटा ऑन है इसलिए मैं इसको इजीली यूज कर पा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको पूरी तरह से यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना होगा, चलिए उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको करना है कि ऊपर आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है आपको सिंपली अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर जाना है और प्रोफाइल पिक्चर पर जाने के बाद आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑफलाइन मैप्स के नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन शेयरिंग के जस्ट नीचे आपको ऑफलाइन मैप्स का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर ओन मैप, आपको इस पर टैप कर देना है। जिससे आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहां से आपको उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है जिसके लिए आप ऑफलाइन मैप यहां पे जनरेट करना चाहते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं यहां से कुछ भी सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सपोज कीजिए कि मुझे राजस्थान में जाना है और मैं चाहता हूँ कि राजस्थान का यहाँ पे मैप यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो जैसे कि मुझे कोटा जाना है, इसके अलावा जयपुर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कोटा और जयपुर के एरिया को मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। आप भी यहाँ से किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको जो डाउनलोड का बटन मिलता है आपको सिंपली डाउनलोड पर टैप करना है। अब आपने कितने एरिया को सिलेक्ट किया है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका मैप यहाँ पे कितने MB का जनरेट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 155 MB आपको दिखाया जा रहा है, तो इसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए जैसे कि मैं डाउनलोड पर टैप कर देता हूँ, इसके बाद आपको अगेन पॉपअप मिलेगा, आपको इस पर टैप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मैप को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए इसको यहाँ से कंप्लीटली डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको ऑफलाइन किस तरह से यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक मैप को डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये काफी बड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 424 MB। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपका डिसाइड होगा कि आपका कितना MB यहाँ पे लगने वाला है। तो इस तरह से आपकी एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अब इसको आपको यूज किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए जैसे कि मैं यहाँ से अपने इंटरनेट को बंद कर देता हूं, अब मैं आपको इसको ऑफलाइन यूज करके दिखाऊंगा। तो ऑफलाइन के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह की फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी और इसका साइज आपको दिखा दिया जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं 28 नवंबर 2023 को ये एक्सपायरी डेट बता रही है, यानी कि जिस डेट में आप इसको यहां पर डाउनलोड करेंगे क्रिएट करेंगे उससे एक साल तक आप इसको यहां से यूज कर पाएंगे ऑफलाइन। एक साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद आपको इसको अगेन क्रिएट करना होगा और अगेन डाउनलोड करना होगा, लेकिन एक साल तक आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑफलाइन। अब यहाँ पे इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके सामने आपको जो 3 डॉट मिलती है आपको 3 डॉट पे जाना है। तो यहाँ से इसको रेगुलरली अगर अपडेट करते रहना चाहते हैं तो यहां से आप इसको अपडेट कर सकते हैं, इसके अलावा रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहां पे व्यू पे टैप करना है। जैसे आप व्यू पे टैप करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि वही एरिया हमारा ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इस पर डबल टैप करना है। जैसे आप डबल टैप करेंगे तो जो एरिया आपने यहां पे सिलेक्ट किया था, जिस एरिया का आपने यहां पे मैप क्रिएट किया था, सिर्फ वो एरिया आपका यहां पे ओपन हो चुका है। अब आप इस मैप को यहां पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहां से नेविगेशन को यूज करना चाहता हूं तो मैं नेविगेशन पर टैप करूंगा और यहां से मैं अपनी लोकेशन दे देता हूं, जैसे कि मुझे जाना है यहां से जयपुर। तो जैसे कि मैं जयपुर राजस्थान डाल देता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वेब पूरी तरह से वर्क कर रहा है, इसने मुझे पूरा रास्ता बता दिया। नीचे की साइड यहां पर आप देख सकते हैं 4 घंटे 59 मिनट का इसने टाइम बता दिया, कितने किलोमीटर है वो भी बता दिया। और यहां पर आप देख सकते हैं ऑफलाइन आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जैसे आप स्टार्ट पर टैप करेंगे तो आपको ये इंडिकेट भी करेगा कि आपका रूट क्या रहेगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूं तो ये नाइट बता रहा है, यानी कि पूरी तरह से आप इसको उसी तरह से यूज कर सकते हैं जिस तरह से आप ऑनलाइन इसको यूज करते हैं, उसी तरह से आप इसको ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पूरा मुझे डिटेल यहां पर बता रहा है, स्पीकर वगैरह सारी चीजें, वॉइस वगैरह यहाँ पे आपका वर्क करने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी गूगल मैप की एप्लीकेशन को ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं यानी कि बिना इंटरनेट के यूज करना चाहते हैं तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उसको फॉलो कर सकते हैं और इसको फॉलो करने के बाद आप गूगल मैप की एप्लीकेशन को ऑफलाइन भी यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।